दुनिया का पहला ऑप्टिकल टेलीस्कोप 1608 में मिडलबर्ग स्पेक्टर मेकर हैंस लिपर्शे ने नेदरलैंड में किया था। कुछ हफ्तों बाद डच इंस्ट्रूमेंट मेकर जैकब मिटिकस ने भी इस पेटेंट के सामने रखा, पर उन्हें इस बात का ना ही नाम मिला और ना ही कोई इनाम मिला। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार आते गए, गैलीलियो के टेलीस्कोप में काफी सारे बदलाव आते गए। स्कीमेटिक टेलीस्कोप जो पहला टेलीस्कोप बना, जो गैलीलियो के टेलीस्कोप के बाद टेलीस्कोप की दुनिया का बड़ा चेंजेस किए गए थे। इस टेलीस्कोप का इन्वेंशन बर्नहार्ड स्कीमेटिक ने 1930 में किया था। इस टेलीस्कोप को स्कीमेटिक कैमरा भी कहा जाता है क्योंकि इसका फंक्शनिंग कुछ कैमरा जैसा ही है। बर्नहार्ड स्कीमेटिक एक ऑप्टिशियन द हैंडबर्ग ऑब्जर्वेटरी में, जो बर्स्टॉक जर्मनी में है। ये टेलीस्कोप एक कैटाडियोप्टिक टेलीस्कोप है जिसमें रिफ्लेक्टर और रिफ्रैक्टर दोनों ऑप्टिक्स का बेस्ट एप्लीकेशन है। ये टेलीस्कोप का 1.2 मीटर वर्जन नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का पैलोमा ऑब्जर्वेटरी स्काई सर्वे में यूज किया गया है। बड़े टेलीस्कोप को बनाने में एक मेन वजह लाइट गैदरिंग पावर को बढ़ा के यूनिवर्स में और गहराई से देखना की थी, लेकिन ऐसे टेलीस्कोप के लिए सिंगल ग्लास का यूज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव और फ्रेगिल हो सकता था। इसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने मल्टी मिरर टेलीस्कोप के नाम पर काम शुरू किया। 10 मीटर 33 फुट कैक ऑब्जर्वेटरी मल्टी मिरर टेलीस्कोप इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। कैक 1 की खोज 1992 में हो चुकी थी और 1996 में कैक 2 भी बन चुका था। हवाई के मौना किया के आइलैंड पे कैक 1 और कैक 2 को इंस्टॉल किया गया। इस टेलीस्कोप में 36 अलग अलग ग्लासेस का यूज किया गया है जिसे कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। इससे भी ज्यादा मिरर वाले टेलीस्कोप की प्लानिंग अमेरिका और यूरोप में चल रही है। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के साथ एस्ट्रोनॉमर्स समझ गए हैं ज्यादा क्लियर इमेज और यूनिवर्स में डीप देखने के लिए अर्थ का एटमोसफियर उनके लिए बड़ा रूप बन रहे हैं। इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले अर्थ ऑर्बिटिंग टेलीस्कोप से। एक ऑर्बिटिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज ओएओ को नासा ने 1972 में लॉन्च किया। ओएओ को बाद में कॉपरिकस का नाम दिया गया, जो ब्रॉडनेस 81 सेंटीमीटर 32 इंच है। दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वेशनल सिस्टम जिसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप HST। HST का 1992 में लॉन्च हुआ और इसमें 2.4 मीटर 94 इंच का प्राइमरी मिरर लगता है। HBT बाकी सिस्टम से 300 से 400 गुना ज्यादा डीप में देखना में एस्ट्रोनॉमर्स को हेल्प करता आ रहा है। कीपलर टेलीस्कोप जिसके इन्वेंटर जॉन्स कीपलर जर्मनी के एक महान एस्ट्रोनॉमर थे, इस टेलीस्कोप में एक कन्वेंस लेंस का यूज किया है जिसे इमेज इन्वर्टेंट यानी साइंटिफिकली कहें तो रियल इमेज मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप यर्केस ऑब्जर्वेटरी मिलियम्स बे विल विस्कॉन्सिन 1897 में इंस्टॉल किया गया था। दहो को 100 इंच टेलीस्कोप की मदद से एडविन हबल ने यह सिद्ध किया कि द एंड्रोमेटिकल नेबल एक आकाशगंगा है जो हमारे मिल्की वे से कोसों दूर 2.5 मिलियन लाइट ईयर है। रेडियो टेलीस्कोप की मदद से आज एस्ट्रोनॉमर्स सिर्फ इमेजेस नहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कैप्चर करके उनकी बिग बैंग थ्योरी को भी सिद्ध किया है। आज के कुछ आधुनिक टेलीस्कोप इतने बड़े हैं जिसे टाइम पे टाइम इतना दूर देखा जा सकता है कि वो हमें हमारी मिल्की वे का पास स्पेस दिखाए। वो समय है जब शायद इंसान ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया भी ना हो। दुनिया का 25% स्पेस इमेजेस हबल टेलीस्कोप से लिए गए हैं और ये हर हफ्ते 120 GB डाटा नासा को भेजता है और इसका कॉस्ट अभी तक $10 बिलियन जा चुका है। मॉडर्न टाइम के सारे टेलीस्कोप इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। 2022 तक दुनिया में कई सारे लार्ज टेलीस्कोप को बनाया जाएगा जिसमें से यूरोपियन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप सबसे बड़ा होगा जिसका प्राइमरी मिरर 39.3 मीटर डायमीटर होगा। गैलीलियो के इन्वेंटेड टेलीस्कोप आज भी इटली के म्यूसियो गैलीलियो में सुरक्षित रखा है। इस टेलीस्कोप को लगभग 400 साल पूरे हो चुके हैं।
कुछ इतिहासकार के मुताबिक गैलीलियो पहले इंसान नहीं जिन्होंने टेलीस्कोप यूज किया, ये इन्वेंट किया, पर उन्होंने उसके लिए इमेजेस और अपनी थ्योरी को पब्लिश करवाया और ये नाम पाया।